नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे पास एक छोटी कार स्टीरियो डेग आई है जिसमें 7388 आईसी लगी हुई है। 7388 आईसी हमने इसमें डाल के देखी है, इसमें काम नहीं कर रही है। तो इसमें हम सिंपल सर्किट 4440 वाला यूज करेंगे। तो देखते हैं 4440 वाला सर्किट हम कैसे इसमें लगाएंगे और कैसे काम करेगा। इसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम से ही सारा सिस्टम कंट्रोल होता है। बेस, ट्रेबल और मिड, लेफ्ट, राइट सभी इसी एक ही वॉल्यूम से कंट्रोल होते हैं। तो सिंपली इस सर्किट को हम इंस्टॉल करेंगे। इसमें 4440 सर्किट है ये, और कोशिश करेंगे ये इस पर अच्छी तरीके से काम करेगा। आईसी को हमने काट दिया यहाँ से क्योंकि निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो ऐसे हम प्रिंट लगे छोड़ देंगे। हमने अपनी आईसी को काट दिया है और पॉइंट साफ किए दे रहा हूँ। और ये 4440 सर्किट अब इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऑडियो के तार लगाएंगे जो लेफ्ट राइट में काम करेंगे। लेफ्ट राइट का मतलब है लेफ्ट वाला ऑडियो लेफ्ट स्पीकर से बजेगा और राइट वाला ऑडियो लेफ्ट स्पीकर पे बजेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा कौन सा वाला ऑडियो है। आप इसमें नेट पे देख सकते हैं कौन सा वाला ऑडियो 11, 12, 13 और 14 वाली पिन नंबर जो है 7388 जो आईसी इसकी 11, 12, 13 और 14 नंबर वाली पिन ऑडियो आउटपुट करती है। तो लगाएंगे 13 नंबर और 11 नंबर, दो पिन इस्तेमाल करेंगे 11 नंबर और 13 नंबर। 11, 12 लेफ्ट होता है और 12, 13 राइट होता है, इसलिए हम 11 वाला लेफ्ट का लेंगे और 13 वाला राइट का लेंगे। अरे 4440 जो हमारा सर्किट है इसमें दूसरे नंबर, इसमें लगभग लास्ट से दूसरी पिन जो है ऑडियो इनपुट की होती है, इसीलिए हम इस पर दूसरी वाली पिन पे लगाएंगे। पहली, दूसरी, लास्ट से दूसरी पिन। अब हमारा सेकंड नंबर आता है बैटरी कनेक्शन। 12 वोल्ट कनेक्शन हम इसमें कैसे करेंगे? 12 वोल्ट कनेक्शन के लिए हम सिंपली वही तरीका अपनाएंगे जो सिंपल सर्किट में जो 4440 सर्किट होता है उससे हम इनपुट लेंगे। 12 वोल्ट इस कंडेंसर से हम इनपुट देंगे, ये वाला कंडेंसर जो लगा हुआ है इस कंडेंसर से हमने इनपुट दिया है 12 वोल्ट के लिए। इसमें 12 वोल्ट करंट जाएगा तब ये सर्किट हमारा, ये वाला सर्किट काम करेगा। ये सर्किट इसकी आईसी काम नहीं करेगी, इसको हमने निकाल दिया है। अब ये इस आईसी की जगह पे ये दो आईसी 4440 डबल चैनल में काम करेंगी। ये हमारा कनेक्शन यहाँ से गया हुआ है, ये हमारा 12 वोल्ट कनेक्शन जो हमारी डेग को ऑन करता है, और ये सर्किट पूरी डेग में 4440 आईसी पे हम इसको देंगे। और इसी सर्किट से ये आईसी जो हमारी यहाँ पे लगी हुई थी इसी से चलती है रेड वाले वायर से, और ये हमारा ऑन ऑफ के लिए होता है इस डेग में। तो इससे हम कनेक्शन देखते हैं कहाँ पे देना पड़ेगा। इसका पॉइंट ये नीचे से लगा हुआ है तो यही है इसका नीचे वाला, ये वाला पॉइंट, तो यहीं से हम कनेक्शन देंगे इसको। और ये कनेक्शन हमारा यहाँ से फैला हुआ है, कनेक्शन हमारा पॉजिटिव वाला हो गया है। अब निगेटिव वाला कनेक्शन हम करेंगे।
निगेटिव कनेक्शन के लिए निगेटिव से हमने वायर लगाया है, और जो ये सर्किट का निगेटिव है हम उस पर कनेक्शन देंगे। लगा दिया है हमने, कनेक्शन ले लिया है, हमारा ऑडियो सर्किट और 12 वोल्ट कनेक्शन हमारा ओके हो गया है, लगा दिया है। अब साउंड का कनेक्शन हमें करना है। साउंड के कनेक्शन के लिए जो हमने ये आईसी लगाई हुई है इनसे हम कनेक्शन इस सर्किट पे देंगे। इस सर्किट पे हमने कहाँ पे कनेक्शन देना है वो हम आपको बताएंगे। तो हमें मालूम है 44-40 पे साउंड कनेक्शन कहाँ से लिया जाता है। तो जो हमारा पॉजिटिव पिन 12 वोल्ट इनपुट होता है आईसी पे, उसकी लेफ्ट वाली और राइट वाली पिन से हमें साउंड वाला कनेक्शन मिलेगा। तो हम वही काम करेंगे, लेफ्ट वाला पिन और राइट वाला पिन, उससे हम साउंड वाला कनेक्शन लेंगे। और इसमें जो भी, इसमें हम चार कनेक्शन आउटपुट लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इसमें हमने दो आईसी लगाई हैं, इसलिए हम इस पे केवल दो पे कनेक्शन लेंगे, या हम इन दो को छोड़ देंगे या हम इन दो को छोड़ देंगे, या आप जिस पे चाहें उस पे आप लगा सकते हैं, दो कनेक्शन इसमें दे सकते हैं। तो हमने ये तार लिया है, लगा लिया है, और कनेक्शन हम, तो हम ये कनेक्शन बैंगनी वाले और ब्राउन वाले तारों पे देंगे। कनेक्शन हमारा ओके हो चुका है, तो इसको हम ट्राई करके देखेंगे ये काम करेगी या नहीं करेगी, चेक करके देखते हैं। एक वाला सर्किट लगाएंगे इसमें, तो हमें ये गाड़ी में अभी लगानी नहीं है, इसीलिए हम ये कनेक्शन दोनों एक में किए दे रहे हैं, और 12 वोल्ट कनेक्शन हमने दे दिया है इसको। डेग हमारी ऑन हो गई है, देखिए डेग हमारी ऑन हो चुकी है, और इसमें साउंड लगा के देखेंगे ये बजेगा या नहीं बजेगा। डेक हमारी बिल्कुल ओके हो गई है, साउंड हमारा क्लियर आ रहा है।